ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों का। चंडीगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राघव ने, आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चंडीगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया 14 सीटों के साथ। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला है, आरोप लगाए हैं खरीद फरोख्त के। हमारे साथ है राघव चड्ढा। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू चड्ढा साहब। खरीद फरोख्त के आरोप अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन कमल चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है। बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है बीजेपी। मैंडेट जनता का बीजेपी के खिलाफ आया है, इसलिए बीजेपी अब हमारे जीते हुए लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है। कल रात हमारे 3 सिटिंग काउंसलर्स के घर पे बीजेपी के लोग गए, बड़े नेताओं ने संपर्क किया। 2 को 50 लाख रुपए का ऑफर और 1 को 75 लाख रुपए का ऑफर दिया। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि मैंडेट आपके खिलाफ है, अपनी भ्रष्ट सियासत को बंद करें और इस खरीद फरोख्त को लोकतंत्र में बंद करें। आम आदमी पार्टी ने एहतियातन अपने काउंसलर्स के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया ताकि ये लोग अब कॉल करें बीजेपी वाले तो वो कॉल रिकॉर्ड हो, और साथ ही साथ हमने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए उनके घरों पे सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए हैं, सीक्रेट कैमरे लगवा दिए हैं, ताकि इनकी सारी बीजेपी वालों की मूवमेंट भी हम कैप्चर करें अगर वो हमारे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बीते कल पंजाब के महासचिव हैं सुभाष शर्मा बीजेपी पार्टी से, आपने कल नारा दिया था कि चंडीगढ़ झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि इस जीत से पंजाब के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2019 में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला था चंडीगढ़ की तरफ से, लेकिन विधानसभा में हमारी 3 सीटें हैं। ठीक है, जो मूव चंडीगढ़ का है वही पंजाब का है और वो बदल का। अब रिवायती पार्टियों में मुकाबला नहीं है कि कभी अकाली कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस कभी अकाली। अब बदलाव का समय आ गया है और जैसे चंडीगढ़ के लोगों ने पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, आम आदमी पार्टी को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, ऐसी पंजाब की आवाम ने दिया। ये थे हमारे साथ राघव चड्ढा, और आपने देखा कि किस प्रकार से इस समय आरोप प्रत्यारोप का चलन जो है शुरू हो गया। देखते रहें हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ में। वहीं पूरे देश में कांग्रेस स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं फरीदाबाद में भी कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर स्थापना दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता भी शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए, मैं काफ़ी दिनों पहले भी, कई महीनों पहले भी हम एक भगवान वाल्मीकि जी को लेके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये इस बारे में की थी कि जो भगवान वाल्मीकि पे टिप्पणी करते हैं, जो डाकू वगैरह बताते हैं और अशब्द बोल ले जाते हैं, हमने उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी करी थी। जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया, एक जसवीर खुराना नाम का जो ग्राहियों का है यहीं पर पानीपत का, वो गहराइयों का है जो पानीपत का ही है, उसने अपनी पोस्ट कर रखी है कि भगवान वाल्मीकि के बारे में कि भगवान वाल्मीकि तो नहीं लिखा, लेकिन ये कहा कि रामायण डाकू ने लिखी। क्या उसको पता है कि डाकू ने लिखी है या भगवान वाल्मीकि ने लिखी है, उसको नहीं पता क्या? ठीक है, हम यही कहेंगे शासन प्रशासन से या सरकार से एक बार करेंगे कि इस तरह के लोगों के ऊपर जो धर्म के बारे में अशब्द बोले जा रहे हैं और गलत प्रचार करा जा रहा है। मैंने ना तो कभी कोई पोस्ट डाली है, या तो कोई देखो फोन मेरा है, कोई मेरे फोन से कोई किसी ने हरकत करी है, जिम्मेवारी तो मेरी बनती है। हालांकि मेरा इस समाज के साथ में कट्ठा बैठा और उनका खाना है, तो तब मैं ऐसी हरकत को अपने साधु संतों के बारे में क्यों करूँगा? असल जब जिन्होंने रामायण लिखी है, हमारे धर्म के बारे में लिखी है, तो हम अपने धर्म के बारे में खुद ही गलत बोलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने धर्म के बारे में खुद गलत बोलना शुरू कर दें।
वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर एमडीयू यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाएं लगाने और कैंपस की कैंटीन खुलवाने जैसी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वहीं रजिस्ट्रार ने विद्यार्थियों को आश्वासन देकर प्रदर्शन को रुकवाया। आपको बता दें कि एमडीयू के छात्र लॉ विभाग परिसर में एकत्रित होकर एमडीयू अध्यक्ष रवि रेडू और इंचार्ज प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में छात्र नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे थे, जहां लगभग एक घंटे नारेबाजी करते रहे, लेकिन रजिस्ट्रार उनकी समस्या जानने नहीं आए। तो छात्रों ने प्रदर्शन किया अपनी कुछ मांगों को लेकर और यहां पर रोष में नजर आए छात्र। उन्होंने कहा कि कैंपस खुलवाने की जो उनकी मांग है उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। एमडीयू यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाएं लगाने और कैंपस की कैंटीन खुलवाने जैसी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं रजिस्ट्रार ने विद्यार्थियों को आश्वासन देकर प्रदर्शन को रुकवाया। और आपको बता दें कि एमडीयू के छात्र जो हैं लॉ विभाग परिसर में एकत्रित होकर एमडीयू अध्यक्ष रवि रेडू और इंचार्ज प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में छात्र नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां लगभग एक घंटे नारेबाजी वो करते रहे, लेकिन रजिस्ट्रार उनकी समस्या यहां जानने नहीं आए। रोहतक में एमडीयू यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाएं लगाने और कैंपस की कैंटीन खुलवाने जैसी मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रजिस्ट्रार ने विद्यार्थियों को आश्वासन देकर प्रदर्शन को रुकवाया। एमडीयू के छात्र लॉ विभाग परिसर में इकट्ठा होकर एमडीयू अध्यक्ष रवि रेडू और इंचार्ज प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में छात्र नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे थे, जहां लगभग एक घंटे नारेबाजी करते रहे, लेकिन रजिस्ट्रार उनकी समस्या जानने नहीं आए। आज का विरोध प्रदर्शन महर्षि दांदी विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी ऑफलाइन कक्षाएं लगवाने के लिए, यूनिवर्सिटी की जो पिछले लगभग दो साल से जो सभी कैंटीनें बंद पड़ी उनको खुलवाने के लिए, और जो चीफ वार्डन का एक तनावपूर्ण और एक तानाशाही रवैया है, जो यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में एंट्री करते हैं तो बार बार उनको प्रताड़ित किया जाता है, स्टूडेंट को उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं, और 9 बजे के बाद अगर कोई बच्चा अंदर जाना चाहता तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता, वो बाहर अपना मतलब स्टे का बोलते हैं कि बाहर स्टे कर ले, उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। और जो मैथ्स में खाने की क्वालिटी बिल्कुल लो है, उसके लिए हम वीसी ऑफिस भी गए थे, वहाँ वीसी और रजिस्ट्रार नहीं मिले, तो यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में आए, रजिस्ट्रार ने हमारी बात। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से, जहां पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता लेंगे शपथ। टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, तो वहीं हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता। आज दोनों ही नेता शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। तस्वीरें आप देखिए चंडीगढ़ से राजभवन की तस्वीरें, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे होगा और ऐसे में तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली और बीजेपी विधायक कमल गुप्ता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता हैं कौन, आइए आपको उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र बबली, जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि जेजेपी के विधायक हैं और
साथ ही साथ अच्छा दबदबा रखते हैं। पेशे से बिजनेसमैन हैं देवेंद्र बबली। आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर पहली बार बने थे विधायक और 2019 के चुनाव में जीत के दूसरे बड़े अंतर का इन्होंने इतिहास रचा। और साथ ही कमल गुप्ता कौन है ये आपको बता देते हैं। बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता, जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार दो बार से हिसार के विधायक हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति में एक अच्छा खासा असर रखते हैं। संघ और बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद हैं कमल गुप्ता। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।